Students, our lesson is shapes. Today we learn different shapes. Okay? Our first shape is triangle. Triangle has three sides and three corners. Okay? Now next shape is square. Square has four equal sides and four corners. Okay? Next shape is rectangle. Rectangle has two opposite sides. Now. And four corner. Okay. Now next step is circle. Circle has no side, no corner. Semi-circle. The semi-circle is. स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर सेवेंटी फोर ट्राइंगल काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ट्राइंगल कलर देम आपको यहाँ पे द्राइंगल डिफरेंट साइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप दिया है बराबर है तो उसमें से आपको ट्राइंगल फाइंड आउट करके उसमें कलर करना है और यहाँ पे ट्राइंगल काउंटिंग करके आपको लिखना है ओके okay, तो देखो कैसे करोगे सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल ये कौन सा शेप है स्क्वायर सर्कल रेक्टेंगल ट्राइंगल तो यहाँ पे आपको कलर करना है ट्राइंगल में कलर करो फिर वो जितने भी आपको ट्राइंगल दिए हैं वो सारे ट्राइंगल में आपको कलर करना है फिर बाद में उसको काउंटिंग करके आपको नीचे नंबर्स लिखना है ओके कलर्स लाइन के बाहर जाना चाहिए नहीं बराबर आपको ऐसे पूरे ट्राइंगल्स में कलर करके काउंटिंग करके यहाँ पे लिखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हाउ मेनी ट्राइंगल सेवन ट्राइंगल ओके नाउ नेक्स्ट पेज पेज नंबर सेवेंटी फाइव अ ट्रायंगल है थ्री साइड एंड थ्री कॉर्नर ड्रॉ एंड कलर अ ट्रायंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपको कलर करना है बराबर है ये आपका होमवर्क है ट्रायंगल को काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच पिक्चर आपको यहाँ पे ट्राइंगल्स दिए उसको काउंटिंग करना है और यहाँ पे नंबर लिखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे नाइन यहाँ पे वैसे ही आपको काउंटिंग करके यहाँ पे लिखना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स राइट हियर नाउ टर्न योर पेज। पेज नंबर 76 same here square count काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ स्क्वेयर कलर जैसे हमने ट्राइंगल में कलर करके काउंटिंग करके लिखा था वैसे ही हमें अभी स्क्वायर में कलर करना है और वो काउंटिंग करके यहाँ पे लिखना है ओके आपको ऐसे ही स्क्वायर में कलर करना है और काउंटिंग करके लिखना है काउंट विथ मी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन राइट हियर नंबर टेन ओके नाउ नेक्स्ट पेज पेज नंबर सेवेंटी सेवन अ स्क्वायर हैज फोर साइड एंड फोर कॉर्नर्स ड्रॉ एंड कलर अ स्क्वेयर आपको यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपको कलर करना है ओके दिस इज योर होमवर्क सर्कल द सर्कल द क्लॉक्स दैट हैव अ स्क्वेयर फेस आपको यहाँ पे डिफरेंट शेप्स में क्लॉक uh, दिया है जो भी स्क्वायर शेप में क्लॉक है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है अब ये ये जो क्लॉक है वो कौन से शेप में है स्क्वायर शेप में तो हमें यहाँ पे ऐसे सर्कल करना है. ये कौन सा शेप है सर्कल है ये ये डायमंड शेप है लेकिन ये देखो ऐसे घुमाओगे तो ये कौन सा शेप होगा स्क्वायर शेप फोर साइड्स आर इक्वल ओके नाउ सर्कल इन इट बराबर देन नेक्स्ट दिस इज रेक्टेंगल ओके ये कौन से साइज में आएगा स्क्वायर साइज में आएगा तो हमें इसके ऊपर सर्कल करना है बराबर ये क्लॉक कौन सी शेप में है स्क्वायर शेप में है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है सर्कल करना है नाउ टर्न योर पेज पेज नंबर सेवेंटी एट रेक्टेंगल काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कलर दें अभी हमें यहाँ पे क्या करना है रेक्टेंगल काउंटिंग करना है रेक्टेंगल में टू ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और फोर कॉर्नर होते बराबर तो ये रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल्स में हमें कलर करना है और यहाँ पे हमें नंबर लिखने ओके स्टूडेंट्स काउंट विथ मी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाउ राइट हियर नंबर अ रेक्टेंगल पे ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसके अंदर कलर करना है यूज एज मेनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल एंड ड्रॉ अ पिक्चर कलरिंग आपको देखो यहाँ पे रेक्टेंगल्स का यूज करके पिक्चर्स ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है ओके यहाँ पे आपको देख देख के यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करना है ये आपका होमवर्क है बराबर योर पेज, पेज नंबर एटी सर्कल काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ सर्कल्स कलर दे अभी यहाँ पे हमें क्या काउंटिंग करना है सर्कल काउंटिंग करना है और उसमें कलर करना है बराबर है तो देखो आपको सर्कल दिख रहे हैं। तो ये सर्कल में हमें कलर करना है और काउंटिंग करके हमें यहाँ पे लिखना है बराबर नाउ कलर इन इट सर्कल काउंट विथ मी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हाउ मेनी सर्कल सिक्स सर्कल्स नाउ राइट हियर सिक्स ओके नेक्स्ट पेज पेज नंबर एट्टी वन अ सर्कल हैज नो कॉर्नर्स ड्रॉ एंड कलर अ सर्कल अभी यहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपको कलर करना है बराबर है ये आपका होमवर्क ओके सर्कल द लॉलीपॉप धेट है शेप ऑफ अ सर्कल यहाँ पे डिफरेंट शेप्स के आपको लॉलीपॉप दिए जो सर्कल शेप में लॉलीपॉप है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है ये कौन सा शेप है सर्कल ऐसे आपको सर्कल करना है बराबर है ये लॉलीपॉप ट्राइंगल है तो उसके ऊपर हमें नहीं करना है ये लॉलीपॉप कौन सी शेप में है ओवल शेप में है तो उसके ऊपर नहीं करना है अभी ये लॉलीपॉप सर्कल शेप में है तो उसके ऊपर हमें सर्कल करना है देन ये रेक्टेंगल शेप में है और ये ओवल शेप में है तो उसके ऊपर हमें सर्कल करना नहीं है टर्न योर पेज पेज नंबर एटी टू एटी टू पेज नंबर ओपन करना है अन आवर लेसन इज सेमी सर्कल सेम काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स कलर देम जैसे हमने आगे के शेप्स में काउंटिंग करके कलर किया है वैसे भी अभी हमें यहाँ पे सेमी सर्कल फाइंड आउट करना है और वो सेमी सर्कल में हमें कलर करना है और वो काउंटिंग करके यहाँ पे हमें लिखना है सेमी सर्कल किसको बोलेंगे जो सर्कल का हाफ होता है वो सेमी सर्कल होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हम यहाँ कितने सेमी सर्कल्स है एट एट सेमी सर्कल में कलर करके यहाँ पे लिखना है एट लिखना है अभी वो ये एट सेमी सर्कल में आपको क्या करना है कलर करना है ओके okay? ऐसे आपको यहाँ पे कलर करना है और यहाँ पे आपको डी नंबर लिखना है बराबर काउंटिंग करके नेक्स्ट सेमी सर्कल इज हाफ सर्कल ड्रॉ एंड कलर अ सेमी सर्कल आपको यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और उसके अंदर आपको कलर करना है ओके okay? ये आपका होमवर्क है सर्कल द फूड आइटम्स धेट आर कट इनटू सेमी सेमी सर्कल्स यहाँ पे आपको फूड आइटम्स दिए जो भी सेमी सर्कल में कट किया है उसको आपको सर्कल करना है बराबर है फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन बर्न रोटी फिर एप्पल ये सब कौन से शेप में है सेमी सर्कल में तो आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है ओके नाउ टर्न योर पेज पेज और ओपन द पेज नंबर एटी फोर ओवल शेप काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ओवल्स कलर दें अभी आपको क्या काउंटिंग करना है ओवल शेप्स काउंट करने और उसके अंदर आपको कलर करके यहाँ पे नंबर लिखना है ओके okay? देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन ओवल्स दिए तो ये नाइन ओवल में आपको कलर करना है और यहाँ पे Nine लिखना है, ओके okay? नाउ कलर मी, ओके, okay? में हमें क्या करना है कलर करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कोई ऐसे नाइन ओवल्स में कलर करना है और यहाँ पे नाइन नंबर्स लिखना है ओके ड्रॉ पिक्चर यूजिंग ओवल शेप डेकोरेट देम विथ हैंड, लेग्स, आईज इयर्स, इोज एंड माउथ देखो आपको ओवल शेप में ये थ्री पिक्चर्स दिए इसमें से कोई भी एक पिक्चर से आपको यहाँ पे ऐसे ओवल पहले ओवल शेप ड्रॉ करना है फिर उसके इयर्स आईज माउथ नोज एंड हैंड्स ड्रॉ करना है आप कौन सा भी है थ्री में से यहाँ पे ड्रॉ करके उसके अंदर आपको कलर करना है ओके ना टर्न यू पेज एंड ओपन द पेज नंबर एटी सिक्स मैच द शेप्स विद द ऑब्जेक्ट्स अभी देखो यहाँ पे आपको शेप्स दिए हैं तो वो शेप को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ मैचिंग करना है सबसे पहले कौन सा शेप है सर्कल तो सर्कल शेप में क्या आएगा कॉइन तो हमें ये सर्कल को कॉइन के साथ मैच करना है द नेक्स्ट रेक्टेंगल रेक्टेंगल शेप में क्या आएगा मैच बॉक्स तो नाउ मैच दिस ऑब्जेक्ट ट्राइंगल ट्राइंगल शेप में क्या है ये बॉर तो हमें यहाँ पे ऐसे एरो दिया है ना आपको वो ट्राइंगल शेप में है स्क्वायर। स्क्वायर शेप में क्या आएगा क्लॉक तो क्लॉक स्क्वायर को क्लॉक के साथ मैच करना है बराबर है नाउ सेमी सर्कल सेमी सर्कल में कौन सा ऑब्जेक्ट है बर्न दिया है तो हमें ये सेमी बर्न कौन से शेप में है सेमी सर्कल शेप में है और ओवल शेप में लॉलीपॉप दिया है तो ये ओवल शेप को लॉलीपॉप के साथ आपको मैचिंग करना है ओके